हेलो माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में फंक्शन है, तो आज से हमारे घर की जो भी रस्में होती हैं शादी की, वो आज से स्टार्ट हो जाएंगी। और सबसे पहली जो रस्म होती है वो होती है हमारे घर में गेहूं हाथ। गेहूं हाथ में गेहूं मतलब इस रस्म का मतलब ये होता है कि जैसे भी आज से है ना, हमारे सभी जो भी शुभ कार्य होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस रस्म में क्या होता है, ये कैसे होती है, वो आप मेरे साथ देखिएगा, ठीक है? हाँ, तो आप भी चलिए मेरे साथ और देखिएगा कि इस रस्म में क्या होता है, ये कैसे होती है, ठीक है? तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और नीचे देखते हैं नीचे क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। मैं आई हुई थी तैयार होने के लिए, तो हम नहा धो के तैयार हो गए हैं। क्या है? ये शुभ है, ये अभी तक नहाया नहीं है, सूखला सा ऐसे घूम रहा है। काम करा रहा हूँ मैं, हैं? काम करा रहा हूँ। काम करा रहा है? हाँ। अच्छा, ये पूरे मैंने ही बिठाया। ये ये देखो, ये सारी तैयारियां हो गई है। ये पूजा है, ये गुड़िया, और ये देखो ये तैयारियां हो गई हैं। ये पूरा ये यहाँ पर जो हमारी बिटिया है उसका लगन लिखा जाएगा, और ये हमारी छोटी मम्मी, और ये देखो ये अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। हाँ मम्मी, आप ये बताओ कि ये जो गेहूं हाथ की जो रस्म होती है, हाँ। तो ये मतलब इसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों होती, मतलब क्या मतलब हो रहा है? शुभ काम शुरू हो जाते हैं सारे। हाँ, और यही लॉजिक है इसका, और क्या है? हाँ, कुछ तो जैसे हम ऐसे हमारी माता जी लेकिन हमारा काम चल, हमारा काम चल जाता है ऐसे ही पूछ पाछ के। तो ये देखो आप, ये सारी यहाँ पे ये तैयारी हो रही है। आप क्या कर रहे हो मम्मी? इसमें कलाई वलाई कर रही हैं। हाँ भाई, जो भी ये हमारे उसमें होता है हिंदू धर्म में, बिना कलावे के तो कोई शुभ कार्य होता ही नहीं है। जो भी मतलब बर्तन होंगे या पूजा की थाली होगी, उनमें कलावा बांधा जाता है। और अब ये देखो, ये लोटे पे भी बांधेंगी, ये देखो ये पूजा की तैयारियां हो रही हैं। चाची को ज्यादा पता है, चाची को पता, चाची सब चलेगी। अब हमारी मम्मी बहाना भर रही हैं कि चाची को ज्यादा पता है, और चाची से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि बड़ी चाची को ज्यादा पता है। तो मैं बता दूं, ये है ना, वैसे तो हमारी छोटी मम्मी है, और देखा जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी चाची हैं, तो हम इनको चाची तो नहीं बोलते, हाँ छोटी मम्मी बोलते हैं, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी। और ये हमारी दीदी, ये हमारे ना खाने की तैयारी कर रही हैं, तो जब तक शादी होगी तब तक यही खाना बनाएंगी। आपकी ड्यूटी है ना खाना बनाने की, बोलो। हाँ। है ना, तो ये खाना बनाएंगी, तब तक इन्हीं के हाथ का हमें खाना खाना है। और आज आज क्या बनाओगे? आज आलू मटर की सब्जी पूरी। ओ वाओ, आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम है जीजी संतोष। संतोष कहाँ से आया? प्रेमनगर से। प्रेमनगर से, अच्छा ठीक है। ले आए पूजा? हाँ। ये हंसती रहती है हमेशा, इसको कभी भी देख लो ये ऐसे ही हंसती रहेगी। ये शुभ है, ये बदमाश लड़का। आजा, ये जो मेरे से छोटी है ये वो देवरानी है, ये अभी नहा धो के आई है। इसको जब से बोल रहे थे कि नाले नाले नाले, तो ये अभी तक नहीं आई है। लेट आई हूँ, अब तो कोई दया ना दिखाई है। किस टाइम आई थी? दो बज गए थे। ये नींद की मारी बेचारी, और काम के बोझ की मारी है, दुनिया जाए ऐसी तैसी में, पहले इसको नींद चाहिए और खाना चाहिए, इसको खाना और सोना है ना। हाँ, ये चाहिए होता है। मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँ? अरे बस यार, कितना हो गए? अरे बस कर भाई, ओ पागल करके पीछे छोड़ दे। ये बिचारी है ना, काम काम कर करके ना थक गई है, सुबह से बिचारी सोई है, फिर इस मैडम को चाय बना के भी दी है ना, तो ये चाय पी के, और
सो के बेचारी थक गई है, इसको नहाने का काम दिया था बेटा, नहा धो के आ जा जल्दी से, और ये नहाने नहाने में थक गई है ना। ये बेचारी देखो ये मसाज चेयर पे मसाज कर लेने के लिए बैठी हुई है। अच्छा नूतन आज क्या होगा हमारे घर में? गेहूं भात है? गेहूं भात, ये गेहूं भात बोल रही है। गेहूं हाथ। अच्छा क्या होता है इसमें? गेहूं हाथ में, गेहूं में हम हाथ डालते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और वो शुभ के लिए होता है, मतलब समझ गया। किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले हम ऐसे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? गेहूं में हाथ डालते हैं। ये हमारे घर का मूर्ख नंबर। नहीं सच में, मम्मी ने रात को आपने ये बताया था मम्मी मुझे कि गेहूं में से हाथ डालना है। मतलब और कुछ नहीं करना, बस ऐसे लेके और हाथ डालना है, शुभ काम हो जाएगा बस। अच्छा शादी ये हमारा फर्स्ट सेरेमनी है हमारा। हाँ तो ये है ना, जो हम पांच बहुएं हैं घर में, तो ये समझदार यही है। सबसे छोटी है ये, सबसे छोटी है। सबसे छोटी है, इसे कोई मतलब नहीं होता, बस ना दब बेचारी तैयार हो जाती है उसमें, ये थक जाती है। और जब मेहनत करने की बारी आती है तो खूब मेहनत भी करती है, भाग भाग के। हम भागना हमारे बस की है नहीं, ये बेचारी इतना भागती है भागती रहती है, घर पहुंच जाती है। सही बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी जेठानी जी पधार गई हैं, आ जाओ आओ। हेलो, ये हमारी सेकंड नंबर की जेठानी है। तो आज क्या होगा दीदी हमारे घर में बता दो? आज लगन लिखी जाएगी। और ये बड़ी हंसमुख है, हंसती रहती है ये। और है? और क्या होगा बोलो क्या होगा? और बरनी गवेंगी। जो भी गीत गाने का शौक है, हाँ, जो भी गीत गाने का मतलब वो कार्यक्रम होता है वो हमारी दीदी करती है, क्योंकि हमें तो गीत भी आते नहीं है। ये गीतों की एक्सपर्ट है, इन्हें किसी तरह के भी गीत गवा लो। हमारे घर में केवल इन्हीं को गीत आते हैं और किसी को नहीं आते। जो हम पांच हैं, पांचों में ये काम छठी हमारी मम्मी भी कुछ ऐसा कुछ ना सभी गा लेते हैं। नहीं हमें गीत नहीं आते, एक्सपर्ट खूबी है वो बताऊंगी ना, है ना। और ये हमारी मम्मी कह रही है, हाँ मम्मी क्या कह रहे थे? कुछ नहीं आता हमें भी, हमारे तो ये गवा लगे और गाना नहीं आता। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी, जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। बैठो बैठो आप, मतलब जो भी उनकी तरफ मैं लगाई थी। अच्छा निकल गई है, अरे यहाँ नीचे रखे दीदी, कोई भिंडी का पैकेट रखा है नीचे? भिंडी का रखा है कुछ नहीं, ऊपर से गिर गई। ये लो, अरे पूजा ऊपर से एक ना भिंडी का पैकेट दे दियो मुझे लगाना, वो गिर गई मेरी, गिर गई है कहीं। अलमारी खोल के हल्दी की गांठ और सुपारी, ये वाली दे दो थाली पहले, किसको पूजा की थाली जो दी, बंद कर दो अभी। नहीं चल रहे थे कंटिन्यू। अच्छा कदावे तो रख ले यहां पहले, तुम्हारा भी तो बंद है वो सबके। ये तक में से रहेगा कदावा, सिर धोएगी, टाइम लगेगा। रख देंगे अभी, रुक जाओ मैं अपना काम करने दो, अभी टाइम है ना इसमें। अभी वो हम दो, हमें दो मिनट रुको, क्या पानी का नहीं तो उनके लिए लोटा उठा, तू परात ले आ खाली और यहाँ बैठ जा, सबके कलाई बांध, दो मिनट का काम है, हम ज्यादा झंझट ना है, रख तू बंद है। फोटो खींचवाई तो कुछ शादी क्यों हो रही हो?
आप ऊपर बैठो, आप ऊपर बैठो कह रहे ना, हाँ पहले इसके बाद ये सब जब से रंगे जब दही देखते सारे मेरे नाम पाँच इन दोनों तीनों के बांधा और एक तानी की मम्मी सोई हो जाएंगी, पाँच हो जाएंगी, अब छोरी है ना, नहीं तो छोरी भी लग जाएगा ताशी करेगी ना, आठ तो सोमवार का चार तारीख है, सोमवार ना ना वो आ जाएंगी, चार को आ रही है ना वो तो, हाँ चार को आ, ठीक है आज कर स्वाति आ जाएगी और वो स्वाति चार को आएगी, स्वाति ना वो गुंजन डोली तो चार को ही आऊंगी, तो मौसी के मारे आऊंगी ना, वो मौसी के यहाँ फंक्शन तो सोमवार को ही तो चढ़ा जब आज तो कोई नहीं, हाँ ना आज ना आई जाऊंगी जब तक, तो यहाँ पैसे जब लगन पैसे जाएगी जब से हिला देखिए तन की मम्मी भुलक ला बैल को जाते कि जो एक मिनट के लिए आयो नहा लियो तो अब इसमें पर्दे तो पराद नहीं और क्या, ऐसे पांच पांच बार कर लो थोड़े थोड़े आगे आगे, वैसे सब रीति रिवाज ही खत्म हो जाता है, याद ही ना रहेगी हो गए क्या तीन हो गए चार सही है, सुख तो हमारे भी रखो चिंटू के बैग को मना तीन हो जाते, तीन हो जाते थे हाँ ना, दो ले आई है मैं सोचने में जो एक लाई होगी तो एक यहाँ ले रहा हूँ ना, मैं तो एक ही लाई एक भाभी ने दे दिया, मैं बैठ ही रही हूँ सबके, हाँ सवा महीना पहले शुरू हो जावे या सबको एक एक महीना पहले छोड़ कर के आ जाना ये शादी, इसको पीसना कहना है, पीसना करवा दो, हां गांव में तो यही कहना है पीसना, टे हाथ आ जाएगी ना काजल तो वही लगाएगी भाभी है वही, हां तो बजा जा रही और तो कोई भाभी ना आ जा रही, और जैसे साफ करते रहे बेड़ा में मत बस स्थान पांच बार करने ऐसे तो हो गई है और बस यही हो गया चाची जी, अब कोई काम नहीं, पांच जो भी सुहागन मैं उठ जाऊँ तो हम सब ने की, आपने भी देखी और किस किस के यहाँ ये रस्म होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, थैंक यू चाची जी, अब ये गेहूं का क्या होगा जो ये हमने रस्म की है, ये जो गेहूं साफ की बताओ बताओ तो सही, पिसवाएंगे अपने घर में, अपने घर में पिसवाएंगे आटा आटा, अच्छा ठीक, चलो उसको चिल्ला बना के आते पानी का नाश्ता, तो अब जैसे ये रस्म हुई है जो भी आई है ये आंटी आई है जो भी मतलब जितनी भी लेडीज होती हैं उन सबको ना, पहले तो बतासे बांटे जाते थे, अब बतासे तो कोई खाता नहीं है तो ये बिस्किट बांटे जा रहे हैं, तो बिस्किट बच्चे खा भी लेते हैं, तो समय के साथ साथ सब चेंज होता जा रहा है, दीदी मेरा बिस्किट भी दे दो, ये देखो ये हमें कौन सा ये अम्मी वाला बिस्किट मिला है, मेरे को ये वाला मिला, मेरे को भी आपको कौन सा मिला है चाची, कौन सा मिला आपको यम्मी वाला, आधी सही हो गई है।
ये निंदारस हो रहा है यहाँ पे, निंदारस हो रहा है ना, निंदारस हो रहा है ना, है ना। सबसे ज्यादा मजा आता है इसमें। नमस्ते आंटी, अभी तो यही बैठे हुए हैं सारे। तो जेंट्स यहाँ बैठ जाएंगे, हम लेडीज वहाँ बैठ जाएंगे। आ जाओ, मैं बैठ रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे बता दो, बताओ। ऐसे ऐसे टच कर, सब अपनी बीमारियों की चर्चा कर रहे हैं। मेरे ये बीमारी है, मेरे वो बीमारी है, गीत छोड़ के सारे, है ना। कौन सा डॉक्टर अच्छा, कौन सा डॉक्टर बेकार है, मैंने उसके दवाई खाई, मैंने उसके दवाई खाई, यही से पता चलता है ना फिर। अगर हमें ये दिक्कत है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। गीत छोड़ के बीमारियों की चर्चा हो रही है। इधर से कर मम्मी, दीदी का भी फोन। सब
क्या कह रहे थे मंदिर में सब ठीक अब ये गीतों के बाद चाय नाश्ता चल रहा है ठीक है। बस दीदी तो आज का ब्लॉग ये यहीं समाप्त होता है। तो बाकी जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी वीडियो मैं आपको अपलोड करती रहूंगी। तो बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी रस्म ये जो मैंने गेहूं हाथ की रस्म बताई थी, क्या वो आपके यहाँ होती है या नहीं होती है, कमेंट जरूर कीजिए।